No way. टैंक बंड के अलावा वहाँ पे एनटीआर मार्ग और पीवी नरसिंहराव मार्ग जो नेकलेस रोड है वहाँ पर भी निमज्जनम होगा। इस साल जो 10 फीट से ऊपर है वो टैंक बंड में जाएगा और उन लोगों के लिए ये स्टिकर दिया जाएगा, वो अपनी गाड़ी पर चिपकाना चाहिए। और जो 10 फीट से कम है जो मूर्ति उनके लिए एनटीआर मार्ग और नेकलेस रोड में उनको इजाज़त मिलेगी, और 10 फीट से ऊपर जो है वो ही टैंक पंड में जाएंगे। इस तब्दीली से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस बार जल्दी हो जाएगा, वहाँ पे उतना वेटिंग नहीं होगा। सर, जो झगड़ा का फ्लाईओवर का इशू है तो सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाएगा या नहीं? सिर्फ एक दिन के लिए, टेम्प्ररी कुछ बना है, अभी पूरा नहीं हुआ। ने पूरे जो कम्युनली सेंसिटिव एरियाज हैं उनको पूरा आइडेंटिफाई किए और वहाँ पे अच्छी तरह से बंदोबस्त भी लगाए गए। कल गणेश निमज्जनम के लिए साउथ जोन की तरफ से पूरी बंदोबस्त किया गया। हमारी जोन से लगभग 900 और बाहर से जो आए वो लगभग 2400, पूरे 3300 इस बंदोबस्त में भाग ले रहे हैं पुलिस की तरफ से। कल हमारे लिए हमारी साउथ जोन से लगभग 900 मूर्तियां यहां से जाएंगे टैंक बंड तक, और उससे लगभग 100 उसे इसके अलावा यहां मीरालम टैंक और राजन भाई में भी कल निमज्जनम होगा। और एक इस बार एक तब्दीली आई है, सबसे अहम तब्दीली यह जो फलकनामा ब्रिज है जिससे ऊपर से बालापुर गणेश हर साल आता था, अभी रिपेयर में था आज तक, लेकिन आज अभी खबर मिली कि वो पूरी हो गई और ट्रायल भी हुआ। अगर वो प्रोजेक्ट जीएचएमसी प्रोजेक्ट और रोड्स वाले जो अगर उसको इजाज़त देते, उसको फिट मानते, तो बालापुर गणेश इसके ऊपर से निकलेगी, फलकनामा ब्रिज से ही निकलेगी बालापुर गणेश, और 3-4 है जो 15 फीट से ऊपर है फलकनामा ब्रिज से ही निकलेंगे। बाकी के जो मूर्तियाँ हैं उस साइड से आने वाले वो कंडिकल फ्लाईओवर लाल दरवाज़ा से लेके नागुन चिंता उस रेगुलर रूट में चलेगा। और हर एक जो गाड़ी रजिस्टर्ड है जो टैंक बंड में जाता है उसके लिए एक पोस्टर दिया गया, उसका नंबरिंग दिया गया, साउथ जोन 1 से 900 तक पूरी नंबरिंग दी गई। और इसके अलावा एक अहम तब्दीली भी है,